हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड बनवाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान कर दी है। जहां हम कंप्यूटर वाले को 200-250 रुपये में देकर अपना पैन कार्ड बनवाते थे, आज वहीं आप अपना पैन कार्ड फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। इसके लिए ना ही कोई कंप्यूटर की ज़रूरत है, ना ही लैपटॉप की। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और अपना पैन कार्ड बनवाएँ। पैन कार्ड आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता जा रहा है, क्योंकि इसके बिना ना तो आप किसी बड़े बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कुछ आगे काम कर सकते। तो ये एक वेबसाइट है, इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो देखिए, दूसरे नंबर पे है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, तो इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब ऊपर ही हमको दिखा रहा है एजी एंड पेपरलेस प्रोसेस, मतलब बिना डॉक्यूमेंट भेजे ये एक प्रोसेस है और आप अगले 10 मिनट में अपना पैन कार्ड रेडी कर सकते हैं बनवा के। और आपको ये ई पैन मिलेगा जो फिजिकल पैन कार्ड की तरह काम करेगा और आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके आधार कार्ड के साथ सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, गेट न्यू पैन और दूसरा है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। तो हम जैसे नया पैन कार्ड बनवाना है तो गेट न्यू पैन पर सिंपल क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ इसके अगले पेज पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर ई फिलिंग की वेबसाइट दिखा रहा है। यहाँ पर सिंपल 4-5 प्रोसेस हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन। तो पहली है आई हैव नेवर बीन अलॉटेड पैन, मतलब आपका पैन कार्ड पहले से आधार नंबर में लिंक नहीं होना चाहिए जिससे आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं। और दूसरा है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। और तीसरा चौथा है माइनर एस ऑन, मतलब कि नाबालिग नहीं होना चाहिए पैन कार्ड बनवाने के लिए। और पांचवा, आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, यानी कि टर्म एंड कंडीशन आपने पढ़ ली है इसके लिए बोलर। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और ये कैप्चा फिल करके यहाँ पर कन्फर्म दैट पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर सिंपल क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा आधार कार्ड की तरफ से, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो मेरा पहले से ही पैन कार्ड बना हुआ है और वो आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए मेरे में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है और जैसे ही OTP आएगा हम OTP यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आधार कार्ड की डिटेल्स खुद ही उठा लेगा और मदर्स नेम बस हम डालेंगे और सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। ईमेल ID ऑप्शनल है, कोई डालना ज़रूरी नहीं है। तो बस ये 3-4 स्टेप है, आपका पैन कार्ड रेडी हो जाएगा। और जैसे ही पैन कार्ड आप ये कर लेते हो, आप सिंपल बैक जाकर यहाँ पर सिंपल बैक आएंगे और चेक स्टेटस डाउनलोड पैन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपना वही आधार नंबर डालेंगे जिससे पैन कार्ड अप्लाई किया है और ये कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। तो आपके में एक OTP आएगी, OTP डाल देंगे तो आप यहाँ से अपना स्टेटस देख लेंगे और पैन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपना पैन कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।